अखबार में छपे सरकारी अवैध उत्खनन रुकने के विज्ञापन को लेकर पूर्व जनसंपर्क मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर रेत के अवैध उत्खनन पर रोक लगी है तो कंप्यूटर बाबा कैसे जाकर अवैध उत्खनन पकड़ रहे हैं। आपके मंत्री अवैध उत्खनन न रोक पाने के लिए माफी मांग रहे हैं। शुद्ध के लिए युद्ध और नई शराब नीति वसूली का अभियान बना हुआ है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर विज्ञापन के माध्यम से दिखाई दे रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक नरोत्तम मिश्रा ने अखबार में छपे सरकार के विज्ञापन को लेकर कमलनाथ पर तंज कसा और कहा कि सरकार का विज्ञापन सरकार को ही आईना दिखा रहा है। अगर रेत के अवैध उत्खनन पर रोक लगी है तो कंप्यूटर बाबा कैसे जाकर अवैध उत्खनन पकड़ रहे हैं। आपके कैबिनेट मंत्री ने भी माफी मांगी कि हम रेत का अवैध उत्खनन नहीं रोक पाए। ड्रग माफिया मुक्त करने की बात आप कर रहे हैं, जबकि शराब से ही 4,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त वसूलने के लिए आपने नई आबकारी नीति बनाई है। आपका दावा है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, जबकि मंत्री ही कह रहे हैं कि बाहर निकलने से डर लगता है, महिलाएं असुरक्षित हैं। नरोत्तम ने कमलनाथ सरकार की नीतियों को लेकर निशाना साधा और कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान पूरे प्रदेश में वसूली का अभियान बन गया है। भोपाल का बड़ा व्यवसायी तो अपना व्यवसाय बंद करके ही भाग गया। इस विज्ञापन में सरकार की कथनी और करनी में साफ अंतर दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश सरकार का एक विज्ञापन माननीय कमलनाथ जी के फोटो के साथ देखा, सरकार को आईना दिखाने के लिए यही विज्ञापन काफी है। उन्होंने अपराध और माफिया मुक्त होने की बात कही, रेत के अवैध कारोबार खत्म करने की बात कही। अगर रेत का कारोबार और माफिया खत्म हो गया तो जो कंप्यूटर बाबा नदियों पर जाके पकड़ रहे हैं, कभी पोकलिंग पकड़ते हैं, कभी ट्रैक्टर, कभी डंपर, तो ये कौन से किनको पकड़ रहे हैं? कौन सा अवैध कारोबार है और कौन कर रहा है? आपके मंत्री कह चुके कि हम माइनिंग का काम, अवैध माइनिंग नहीं रोक पाए इसलिए हम माफी मांगते हैं। आपने कहा कि ड्रग माफिया, अरे आप सरकार हुजूर, मध्य प्रदेश में 4,000 करोड़ के अतिरिक्त बजट का प्रावधान सिर्फ आपने शराब से किया है। होम डिलीवरी की बात सरकार सोच रही है, कैसे ड्रग माफिया को रोकेंगे आप? नौजवान को नशे की गर्त में धकेलने वाला ये प्रदेश, बिल्कुल विपरीत विज्ञापन दिया है आपने। जो कर रहे हैं और जो कह रहे हैं एकदम विपरीत है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।